हम इस वक्त खड़े हुए नई सड़क पर और नई सड़क चौराहा इस वक्त है तमन्ना मस्जिद का। यहाँ पर आप देखते हैं हफ्शी हलवा सोहन के नाम से एक शॉप, यहाँ पर मीठे की आपको मिलने वाली चिकन पॉपकॉर्न के नाम से बॉक्सेस दिखे, तो हमने रुक कर जानने की कोशिश करी। भैया हमारे साथ हैं, इन्हीं से पूरी बात जान लेते पहले। लगभग रात भर जो है सहरी तक जो है यहाँ पर इस तरीके से जगह जगह हलीम आपको बिरयानी मिलता हुआ दिख जाएगा। रामपुर स्वीट जो कि मशहूर स्वीट्स है मुरादाबाद का, लोगों को जान नाम से इसको जानते हैं। रामपुर स्वीट्स की अगर बात करें तो मुरादाबाद के लोग जानते हैं। अगर आप बाहर से और आप देसी घी का स्वीट्स खाना पसंद करते हैं तो भाई रामपुर स्वीट्स एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल कारोबार में और हमारा नए व्लॉग में रमजान की रौनक। तो भाई रमजान की रौनक देखने निकले हैं मुरादाबाद शहर में और आपको घुमा रहे हैं मुरादाबाद शहर में वो एरिया जहां पर जगह जगह आपको रौनक देखने मिल सकती है। तो यहां से हम शुरू कर देते हैं। हम इस वक्त खड़े हुए नई सड़क पर और नई सड़क चौराहा इस वक्त है तमन्ना मस्जिद का। यहाँ पर देखते हैं हफ्शी हलवा सोहन के नाम से एक शॉप, यहाँ पर मीठे की आपको मिलने वाली, जहाँ पर आपको देख सकते हैं खजली फेना खजला फेनी वगैरह और मिठाई होगी मशहूर शॉप रामपुर की यहाँ पर जाती है। और यहाँ पर आप किस तरीके की रौनक जो है रमजान में रहती है, लोग जो है जगह जगह घूम रहे फिर रहे। लेकिन हमारा मेन मकसद रहता है कि भैया कारोबार की स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए जगह जगह शहर मुरादाबाद में अगर नॉन वेज की हम बात करें, चिकन की बात करें, तो आपको जगह जगह मिलने वाला है। आप आ सकते हैं और यहाँ पर लजीज खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। आगे की तरफ हम तहसील स्कूल की तरफ अब जाने वाले हैं, वहाँ हम पहुँचेंगे और वहाँ जाकर देखेंगे शॉप्स कितनी खुल रही हैं और वहाँ पर कारोबार का माहौल क्या है। तो दोस्तों जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लोग आजकल जो है हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो मुरादाबाद शहर में हर चीज़ की सुविधा आपको मिलने वाली है। शहर मुरादाबाद में घूमते हुए हम एक शॉप पर चिकन पॉपकॉर्न के नाम से बॉक्सेस दिखे, तो हमने रुक कर जानने की कोशिश करी। भैया हमारे साथ हैं, इन्हीं से पूरी बात जान लेते पहले। तो इनका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो बताइए आपकी शॉप कहाँ पर है, सबसे एड्रेस क्या है? ये नई सड़क और तहसील स्कूल के बीच में जी, पोशाक के सामने। अच्छा, पोशाक बुटीक के सामने। तो मशहूर है जो बुटीक है यहाँ पर शहर में, लोग जानते हैं तो इजीली पहुंच सकते हैं। तो भैया यहाँ पर चिकन पॉपकॉर्न जो है इसके बारे में थोड़ा सा क्या है? ये चिकन पॉपकॉर्न है, चिकन बेस्ट आइटम है, बहुत बढ़िया आइटम है। ओके, विद मसालों के साथ तैयार है। आप इसको फ्राई करके आप घर में फ्राई कर सकते हैं, ओवन में सेक सकते हैं, बेसन में भी फ्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मुरादाबाद में सारी सुविधाएं मिलने वाली। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं ऐसी शॉप्स आपको जगह जगह कुछ ना कुछ नया आपको जगह जगह दिखता रहेगा। खाने पीने का अगर आप शौकीन हैं तो मुरादाबाद आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर अगर आप आए हुए हैं तो वहाँ पर खाना और ख़ास तौर से नॉन वेज खाना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलेंगे और आगे जाकर देखेंगे और कौन कौन सी शॉप्स हैं और क्या क्या है। दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुरादाबाद के उन इलाकों में हम घूम रहे हैं जहां पर जो है रमजान में रात में जगह जगह रौनक रहती है। तो मैं आपको बता दूं उसी सीरीज में यहां पर तहसील स्कूल के चौराहे पे, और भैया यहां पर आपको दिख रहा होगा हलीम का यहां पर स्टॉल लगा हुआ है। और इस तरीके का जो हलीम है लगभग रात भर जो है सहरी तक जो है यहाँ पर इस तरीके से जगह जगह हलीम आपको बिरयानी मिलता हुआ दिख जाएगा। लोग जो है मुरादाबाद के खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन है, इस तरीके से आपको जगह जगह स्टॉल्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं इस वक्त जो हम मौजूद हैं रामपुर स्वीट जो कि मशहूर स्वीट्स है मुरादाबाद का, लोगों को जान नाम से इसको जानते हैं। रामपुर स्वीट्स की अगर बात करें तो मुरादाबाद के लोग जानते हैं। अगर आप बाहर से और आप देसी घी का स्वीट्स खाना पसंद करते हैं तो भाई रामपुर स्वीट्स एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर देसी घी की स्वीट्स मिल जाती हैं इजीली। आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुरादाबाद के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन है, तो आप देख सकते हो रमजान में इस तरीके की महफिल, इस तरीके होटल जगह जगह आपको सजे हुए मिलेंगे। नहारी रोटी यहाँ पर आपको बिकती हुई दिख रही है। आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर पराठे और कीमे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये स्टॉल एक और मिल गया यहाँ पर। मतलब जो खाने की अगर बात करें तो मुरादाबाद में खाना जो है लाजवाब होता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो रौनक है ये रमज़ान में ही ख़ास तौर से मुरादाबाद में देखने को मिलती है। यहाँ पर भी मोहब्बत का शरबत जो है वो पिलाया जा रहा है लोगों को और लोगों को दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं। मैं पहले एक बार फिर सबके सामने बता दूँ हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि कारोबार की अगर बात करें तो शहर का कारोबार कैसा है। तो भैया यहाँ पर है, भैया से भी हम जानेंगे और बात करेंगे लोगों से कि कारोबार की अगर बात करें तो शहर में कारोबार कैसा चल रहा है। आओ, तो आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। रात के लगभग 11 बज रहा है लेकिन शहर मुरादाबाद में इन सब घूम रहे हैं और शहर मुरादाबाद के जो लोग हैं वो बड़े शौकीन मिजाज होते हैं, खाने का बड़ा शौक़ रखते हैं। तो इस तरीके के स्टॉल्स आपको मुस्लिम एरियाज में मिलने वाले हैं जगह जगह।
आगे हम चलेंगे, आगे कुछ शॉप और भी हैं वहाँ पर चलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कारोबार की अगर बात करी जाए तो कारोबार कैसा है। लोकल कारोबार, लोकल कारोबार यूट्यूब पर लोकल कारोबार। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चौराहे पर हम तहसील स्कूल के खास चौराहे पर हम आ गए हैं। भीड़ भाड़ यहाँ पर काफ़ी है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉप्स कीपर्स तक पहुँच सके। खाने पीने की अगर बात करें तो शहरी में एक बहुत ही खास चीज़ होती है कि मीठा ज़रूर खाया जाता है। मीठा खाने का मानना ये होता है कि मीठा खाने के बाद माना जाता है कि भूख जो है सॉरी प्यास जो है वो कम लगती है। तो उसके लिए जो है फेली फेनी और खजला के जो हैं स्टॉल्स हैं वो जगह जगह आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए तहसील स्कूल में हम आ गए हैं चौराहे पर, चौराहे से थोड़ा सा राइट हैंड साइड हम चले और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जगह जगह आपको फेनी खजले के जो हैं स्टॉल सजे हुए दिखाई देंगे। भैया यहाँ पर बैठे हुए इनसे भी जानेंगे और पता करेंगे कि अगर कारोबार की बात करी जाए तो शहर मुरादाबाद का कारोबार का हाल चाल कैसा है। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर हम बात करें तो आप बताइएगा भैया। अरे बोल दीजिए कोई बात नहीं है, बताना सिर्फ इतना सा है, बताना बस इतना सा कि अगर शहर मुरादाबाद के कारोबार की बात करिए तो कारोबार कैसा चल रहा है इस वक्त। माशाल्लाह कारोबार तो सुबह नहीं चल रहा लेकिन जैसे चल रहा अल्लाह चला रहा है। लेकिन मेरे कहने तो आज दुकानदारी है, आज जुमरात है जी, कारीगर जो है जुमरात की जाते रोजा रखता है, हिसाब किताब लेकर रोजा रखता है जी 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 जी। अच्छा तो आज जो है रौनक हमारे है, हमारे ज्यादा रौनक मिलता कारखानों से। अच्छा अच्छा अच्छा, पेमेंट मिलती है ना तो खरीदता है, रोजा रखता है, कारीगर आदमी है, सब सब कुछ आदमी। अगर शहर की बात करें, हमेशा से मुरादाबाद शहर में भाईचारे से हर त्यौहार को मनाया जाता है, तो इस वक्त कैसा माहौल शहर में चल रहा है? सब भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रशासन की अगर बात करें तो कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया रोल चल रहा है भैया। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर आप देख क्या बात है यार, यहाँ पर मैंने पहली बार मतलब देखे ये हमारी जो मोहब्बतें हैं वो बरकरार आ रहे हैं, पता नहीं चाय भी पिलवा देते उल्टा क्या बात है। तो लोग जो प्रणाम करते हैं यहाँ पर, जो आसपास जो थाने में जाते हैं चाय भी यहाँ पर लोगों को पिलवा दी जाती है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई है, आगे चलेंगे, आगे चलते रहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे कि माहौल थोड़ा सा अभी हम बिगाड़ें या जाम लगवाएं, तो हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे और आगे निकल कर देखेंगे कि यहाँ पर और कैसे माहौल है। तो भैया देखिए एक और स्टॉल यहाँ पर हमें दिखाया, देखिए इस तरीके से लोगों ने जगह जगह सजा रखे हैं, लोगों की रोजी रोटी है, बहुत मेहनत ये लोग कर रहे हैं। कारोबार कैसा चल रहा है ये इनसे जानते हैं, बड़ा प्यारा बच्चा माशाल्लाह यहाँ पर इनकी गोद में है। तो भैया माहौल की बात करेगा, कारोबारी माहौल की बात करो, कारोबार कैसा चल रहा है शहर में? कारोबार सही नहीं चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है मालिक का बस ये। तो रमजान की जो रौनक है वो बरकरार है, वो तो रहेगी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ओके मिले जुले कमेंट है, अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मुझे जैसा कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चौराहे से इस तरफ ज़्यादा कुछ अब नहीं है, तो हमारा एक आगे की तरफ हम जाएंगे, उधर हम दिखाएंगे आपको कि जो शॉप्स हैं कपड़े की शॉप भी हैं अगर आगे अभी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। ईद करीब आने वाली है, लगभग 15 दिन जो हैं रमज़ान के हो गए हैं, 15 या 16 रोजे और बचे हैं, तो आगे चलेंगे और वो कुर्ते पजामे की जो शॉप्स हैं उनसे भी जानकारी करेंगे कि कारोबार की स्थिति इस वक्त क्या है। मैं आपको बता दूं तहसील स्कूल के चौराहे पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, इधर आपने आपको दिखाया कि खजले की शॉप्स हैं, इधर अगर आप देखोगे तो शमा के नाम से होटल मिल जाता है, नॉन वेज के सारे होटल आपको यहाँ पर इजीली मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि रमज़ान में आधी रात तक जो है यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप मुरादाबाद में आए हुए हैं, मुरादाबाद में रहते हैं, तो भैया आपको रात को अगर देर हो गई तो भूखे आप सोने वाले नहीं है, रमज़ान में आपको यहाँ पर रात में खाना मिलने वाला है। यहाँ पर इस तरीके की शॉप जो हैं जगह जगह तहसील स्कूल चौराहे पर मैं मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं अब भी इन्होंने समेटनी शुरू करी है, 12 बजे का लगभग टाइम है और यहाँ पर जो है इन्होंने शॉप जो है समेटनी अब शुरू कर दी है। भैया से जानेंगे रौनक कैसी है, माहौल कैसा है, कारोबार कैसा चल रहा है। तो भैया से अंदर, भैया बैठे हुए, मैं अंदर भी चले जाता हूँ, कोई बात नहीं। हम जानने निकले हैं कि शहर मुरादाबाद में अगर कारोबार की बात करी जाए तो क्या माहौल इस कारोबार का है, कैसा माहौल है, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत शानदार। भीड़ भाड़ दिख रही है, तो खरीदारी वाले लोग भी हैं या घूमने वाले ज्यादा हैं? खरीदारी भरपूर चल रही है, बहुत बेहतरीन माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और अगर नॉर्मल माहौल की बात करें, भाईचारे की बात करें, कैसा माहौल है मुरादाबाद? भाईचारे की नहीं है, बहुत ही शानदार माहौल चल रहा है और कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है, और
मेरा ये कहना है तहसील स्कूल पे इतनी रौनक रहती है हर रमजान में, हर सीजन में काफी रौनक रहती है। चलिए शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हमारा कोशिश यही रह रही है कि भैया जगह जगह जाएं, शहर मुरादाबाद के अलग अलग एरियों में घूमें, अलग अलग जगहों पे घूमें और कोशिश करें जानने की, ये चीज़ जानें कि भैया यहाँ पर कारोबार कैसा। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ना ना ना, मैं तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर लोग जो हैं हमें यहाँ पर घूमते फिरते मिल जा रहे हैं एरियों के, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की शॉप जो हैं आपको तहसील स्कूल चौराहे पर बहुत सारी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर कपड़ा अगर आपको कुर्ते पजामे का लेना तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। भैया यहाँ पर बैठे हुए भैया से भी जानकारी करेंगे और पता करेंगे भैया। अरे कोई बात नहीं, एक ही बात है, जवान आदमी हो, कोई बात नहीं, बता सकते हो। कारोबार की अगर बात करें तो कैसा चल रहा है बता दीजिए। कारोबार सर अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है, जो भीड़ भाड़ है रौनक है वो बरकरार है शहर में। चलिए साल कोरोना के बाद में यही साल आया है जो अच्छा चल रहा अच्छा है। अच्छा चल रहा, चलिए बढ़िया। यही हमारी भी दुआ ये रहेगी कि कारोबार अच्छा चले, सब लोग अच्छे रहें और प्यार मोहब्बत से सारे त्योहारों को मनाते रहें। आगे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जगह जगह। सलाम, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से लाइन से शॉप्स हैं, शॉप पर आप देख सकते हो भीड़ भाड़ अच्छी खासी है, सब बहुत खुश हैं, खुशी का माहौल है, रमज़ान चल रहे हैं आने वाले वक्त में, ईद की तैयारियां जो हैं लोग बड़ी खुशी से यहां पर कर रहे हैं। भैया जी यहां पर जो हैं पैकिंग कर रहे हैं, तो जानेंगे थोड़ा सा, आप नहीं जानेंगे थोड़ा सा कि भैया अगर कारोबार की बात करी जाए, लोकल कारोबार की बात करी जाए, शहर मुरादाबाद के कारोबार की बात करी जाए तो कैसा कारोबार है सब? जी साहब पहले से जो है पहले से तो खैर हल्का है काम, मगर ठीक है, ठीक चल रहा है, कारोबार सही है। तो आपके पास अगर कपड़े की बात करें क्या क्या कपड़ा आप रखते हैं? कुर्ता पजामा है और भी कुछ रखते हैं? जी हमारे पास जो है थोड़ा सस्ती क्वालिटी में कपड़ा चलता है। अच्छा, कुर्ते पजामे का? जी जी। या पैंट शर्ट वगैरह भी रखते हैं? कुर्ता पजामा रखते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर कोई आपसे कुर्ता पजामा चाहे भाई सस्ता सा मिल जाए तो कम से कम कितने का मिलने वाला है? जी हमारे पास जो है 400-500 रुपये में कुर्ता पजामा मिल जाता है पूरा। एरिया की अगर बात करें तो थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए आपको आना चाहिए। स्कूल है ना मुरादाबाद स्कूल का मेन चौराहा, तो नंबर वगैरह कोई हो तो बता दीजिए, कोई कॉन्टेक्ट करके आना चाहे तो अपना बोल दीजिए। जो है हमारा अच्छा का नाम है रमजान का तोहफा, क्या बात है यार, नाम ही जो है बिल्कुल अलग रखा हुआ है इन्होंने, मुबारक भी लिख रखा है। तो रमजान का तोहफा के नाम से दुकान आपको मिल जाएगी और इजीली चौराहे पे जब आप पहुंचेंगे स्कूल के तो आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको रीजनेबल रेट्स में अगर आप चाहते 400-500 रुपये में तो कुर्ता पजामा बनवाने वाले हैं आप, क्या बात है, बढ़िया कुर्ता पजामा आपका यहाँ पर मिलने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके बजट में भी यहाँ पर जो है शॉप्स आपको मिलने वाली हैं। यहाँ तक अभी कपड़े की बात हो गई, खाने की बात हो गई, थोड़ा सा आगे और जाएंगे भैया, थोड़े से शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर ब्रेड वगैरह जो है रमज़ान में जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया फेनी खजला वगैरह चलता है उसी जगह ब्रेड वगैरह चलती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक शीरमाल और काफ़ी ज़्यादा मशहूर शीरमाल की जो शॉप है वो यहाँ पर हमें देखने मिल गई है और इनसे हम जानेंगे कि इस नाम से आपकी शॉप है, क्या क्या रेट आपके होते हैं और क्या खासियत आपके शीरमाल की होती है, तो भैया थोड़ा सा बताएँगे अपने बारे में। जी बताइए किस नाम से शॉप है आपकी? अलकरीम शीरमाल। तो शीरमाल में क्या क्या वैरायटी आपके पास रहती है, क्या खासियत रहती है? शीरमाल में हमारे तीन वैरायटी रहती है जी, एक तो हम नॉर्मल जो चलता रहता है सब लोग खरीदते हैं वो होता है काजू वाला बनाते हैं, एक स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल बात है भैया, क्या खासियत होती है स्पेशल की अगर बात? स्पेशल में खूबसूरत भी होता है देखने में और इसमें बड़ा भी होता है, साइज भी ज़्यादा होता है, जैसा मतलब इसके रेट है उसी हिसाब से उतना माल देते हैं। देसी घी में रहता है आपका? देसी घी मिक्स होता है, इसमें आधा देसी घी आधा रिफाइंड होता है। अच्छा अच्छा, तो रीजनेबल रेट्स में यहाँ पर मिलने वाले, मतलब आपका 35, 50 और 70 जी जी, तीन अलग अलग रेट में। अगर कारोबार की बात करें शहर मुरादाबाद के तो कैसा चल रहा है इस वक्त? देखिए हमें तो यहाँ कई साल होगा करते हुए और हमारा हर साल सही रहता है, क्योंकि पब्लिक को माल अच्छा चाहिए, क्वालिटी चाहिए ना, तो क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी सही देते हैं इसलिए काम चला। तो यहाँ पर शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं और भी छोटे बड़े शॉपकीपर जो हैं जगह जगह बैठे हुए हैं, अगर आपको और कुछ हल्का देखना है, कुछ वो देखना है तो आपको वो भी यहाँ पर इस तरीके के जो हैं कुर्ते पजामे के जो शॉप्स हैं वो जगह जगह आपको लगी हुई शहर मुरादाबाद में मिल जाएंगी। और भैया से जान लेते, भैया कितने बजे तक बैठे रहते हैं यहाँ पर? भैया हम रात को 1:30-2 बजे तक बैठते हैं। 1:30-2 बजे तक काम वाम कैसा चल रहा है? काम सही चल रहा है, जैसा काम है शहर का उसके हिसाब से बस सही है। अच्छा, काम जो है शहर का अगर पूरा देखा जाए तो कम ही चल रहा, तो ठीक है, ठीक चल रहा है। तो भैया यहाँ पर जो है आप जो है ये लोअर वगैरह का काम कैसा चल रहा है अगर बात करें काम? अल्लाह का शुक्र है आज रात खुलता रहता है, अभी जो स्टार्टिंग होगी वो 20 में 2500। अच्छा, उसके बाद जो है और रौनक बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर प्राइस की हम बात करें तो कितने रुपये से स्टार्ट हो जाता है आपका लोअर? 250।
250-350 बस लोअर का ही काम है और भी टी शर्ट वगैरह। टी शर्ट की अगर बात करें तो किस क्या लेंगे? ये 250-400-350। एरिया अगर बात करें किस एरिया में अगर किसी को लेनी है तो कैसे आप तक पहुँच सकते? तहसील स्कूल मोहम्मद अली रोड तहसील स्कूल पे आप यहाँ पर मिल जाएंगे। तो भैया यहाँ पर इजीली आपको रोड पर ही भैया दिख जाएंगे। अगर आपको इस रेट में टी शर्ट वगैरह लोअर लेना तो आप यहाँ पर आकर इजीली ले सकते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर नहारी का मशहूर होटल है एक मुरादाबाद का, वो मुझे दिख गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको नहारी खानी है तो भैया आधे घंटे पहले आकर बैठना पड़ता है, नंबर लगवाना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ की मशहूर नहारी मिलने वाली है। तो इसके आगे चल जाते हैं क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा बिजी है तो उनसे हम बात नहीं करेंगे। आगे हम आपको दिखा दें फेनी खजले के और ब्रेड वगैरह के होटल है। यहाँ पर एक अब्दुल्ला स्पेशल ब्रेड के नाम से होटल शॉप मुझे दिखाई दे रही है, जिनका नाम मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ, तो इनके पास मैं चलता हूँ। भैया जी थोड़ा सा बिजी हैं, इनसे बात करेंगे। पहले मैं चाहूँगा एक बार व्यू दिखा दें ज़रा शॉप का। तो इस तरीके की जगह जगह जो है आपको शॉप्स सजी हुई दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्दुल्ला स्पेशल ब्रेड के नाम से शॉप है और अब्दुल्ला भाई जो हैं सामने खड़े हुए हैं। ये ब्रेड की एक बार रौनक जो है करीब से आप लोग आकर देख लें। ब्रेड्स हैं, स्पेशल केक्स हैं और क्या क्या है वो सब कुछ हम अब्दुल्ला भाई से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कारोबार की स्थिति क्या है इस वक्त मुरादाबाद की। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपके हमसे बात करें और पहले तो ये बताएं कि एरिया क्या है आपका, किस एरिया में आपकी शॉप है? तहसील स्कूल मोहम्मद अली रोड। ओके, मोहम्मद अली रोड पे अब्दुल्ला कंफेक्शनरी के नाम से मशहूर आपकी शॉप है। तो क्या क्या वैरायटी आप बनाते हैं यहाँ पर? जैसे कि डांडा की, ड्राई फ्रूट। तो ब्रेड में ही रहता है और भी कुछ रहता है? ब्रेड में रहता है, ब्रेड ही रहती है। बाकी ये जो आपका केक्स वगैरह मुझे दिख रहे हैं, केक्स वगैरह भी जो है बनते हैं, जैसे कि भी बनते हैं, ड्राई फ्रूट के भी बनते हैं। ओके, रमजानों के जो ऑर्डर आते हैं वो भी बनते हैं। और अगर हम बात करें कारोबार की, शहर मुरादाबाद में कारोबार की अगर बात करें, कैसा चल रहा है इस वक्त कारोबार? बेटर है, ऐसा नहीं है, पहले से थोड़ा हल्का है, कारोबार फिर भी सही है। चलिए ठीक है, तो और लोगों से अल्लाह का शुक्र। चलिए बढ़िया बढ़िया, ईद आने वाली है, रमज़ान का महीना चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे शहर वालों से? अब्दुल्ला स्पेशल ब्रेड की तरफ से, अब्दुल्ला स्पेशल ब्रेड की तरफ से रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। क्या बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैरायटी भैया ने भरपूर मेंटेन करी हुई है, इजीली आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। अलग अलग तरीके की ब्रेड्स आपको मिलने वाली है, डालडा में सभी वैरायटी यहाँ पर मेंटेन करी हुई है। स्टार्टिंग अगर बात करें तो ब्रेड की स्टार्टिंग कितने रुपये से हो जाती है? स्टार्टिंग ब्रेड की जो 30 रुपीज़ से लेके 50, 100, 150, 200, तो सभी रेंज की आपने बना कर रखी है कि ईजिली कोई भी ले सकता है। तो भैया अगर आपकी ब्रेड वाला तो सभी खाते हैं रमजान का, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं और आगे चलकर आपको और थोड़ी शॉप्स हैं वो घुमा देते हैं, उसके बाद अपने ब्लॉग को हम एंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि और एरियो में मुरादाबाद की आपको घुमाते रहे, जहाँ मुरादाबाद की जो रौनक ईद की होने वाली वो आपको घुमा दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होटल अब लगभग रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर जो रौनक है वो देखने लायक है। आप देख सकते हो कितनी रौनक यहाँ पर हो रही है, दोनों तरफ मैं चाहूँगा दिखा दिया जाए। इस तरीके की रौनक जो है आपको मुरादाबाद के अच्छे इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में, सब में, रात में, रमज़ान में आपको मिलने वाली है। और जगह जगह इस तरीके के स्टॉल्स लगाकर लोग आपको रोड पर देखने मिलेंगे। कारोबार कैसा है ये तो भैया ही बताएंगे, तो भैया से ही जान लेते हैं। भैया इतर वगैरह का स्टॉल लगा रखा है, कारोबार की अगर बात करें तो कैसा चल रहा है मुरादाबाद में कारोबार? कैसा है, खरीदारी वरीदारी हो रही है, बिक्री हो रही है आपकी? नहीं, सही चल रहा है ना? तो कितने बजे तक बैठते हो? 12 बजे तक। 12 तो अच्छा बजने वाले हैं, तो उठाना शुरू कर दिया भैया ने। तो भैया 12 बजे तक जो है मिलेंगे और चांद रात तो मुझे लगता है पूरी रात मिलने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर मोहम्मद अली रोड पे आपको हर तरीके की शॉप मिल जाएंगी, आपको इत्र लेना हो, कपड़ा लेना हो, खाने पीने का कुछ चाहिए हो, तो सभी कुछ आपको इजीली मिलने वाला है। ये रोड सीधी मोहम्मद अली रोड निकल जाती है गमल टाकिस की तरफ। हम वापस थोड़ा जाएंगे और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा खाने के एक दो होटल्स हैं जहाँ पर मैंने सुना है कि चिकन कबाब बड़े सस्ते मिलते हैं, तो वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद हम अपने ब्लॉग को बिल्कुल एंड कर देंगे और फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। तो अभी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें यहाँ पर मलिक एंड वसीम कबाब सेंटर, इनका हमने सुना था भैया बड़ा चिकन कबाब 12 रुपये। तो भैया ये देखिए आप, इस तरीके से आपको तहसील स्कूल मोहम्मद अली रोड पर शॉप मिलने वाली है और इस शॉप में आपको मिलने वाला भैया कीमा रोटी मिलने वाली है, कबाब मिलने वाले हैं, चिकन कबाब 12 रुपये। भैया ये जो लगा रखा है सही बात है, चिकन कबाब 12 रुपये मिलने वाला है, क्या बात है भैया। तो इनका तो एक व्लॉग हम पर्सनल बाद में आकर जरूर बनाएंगे, एक व्लॉग इनका अलग बनना बनता है, क्योंकि इन्होंने जो चिकन कबाब 12 रुपये दे रखा है ये चीज़ मुझे अभी तक कहीं दिख रही थी। तो कितने बजे तक भैया खोलते रमजान में?
शहरी से खुलता है, क्या बात है भैया। यहाँ पर शहरी तक भी अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पर रमजान में शहरी तक आपको यहाँ पर खाना पीना मिलने वाला है। तो इस तरीके के व्लॉग्स देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और भैया कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। आप फिर मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ नई जगह पर नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।